हाँ तो स्वागत करता हूँ किसान भाइयों आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल लिखो ऑनलाइन टेक पर। तो किसान भाइयों, मैं आज बता देना चाहता हूँ कि जो है किसान भाइयों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि जो है पाँचवीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है देने लगी है सरकार दोस्तों, सभी के अकाउंट में आने लगे हैं दोस्तों। और उसे आप लाइव प्रूफ जो है पीएम किसान के पोर्टल वेबसाइट पर जा करके चेक कर सकते हैं। वहाँ से अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर डाल करके दोस्तों आप उसे कैसे चेक कर सकते हैं। वीडियो में बने रहिए दोस्तों, इसके लिए मैं साथ ही साथ पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है अपनी पाँचवीं किस्त का डिटेल देख सकते हैं दोस्तों आसानी से। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बता दें दोस्तों कि जो है हमारा देश जो है इस कोरोना वायरस के चपेट में आने से दोस्तों काफ़ी परेशानी में चल रहा है। तो इसी वक्त गरीबों के लिए काफ़ी सहारा और मदद देने के लिए हमारी जो है मोदी सरकार दोस्तों किसानों के खातों में 2,000 रुपये करके ट्रांसफ़र कर रही है दोस्तों। और ये किस्त अब जो है जल्दी आने लगी है और ये अप्रैल में ही जो है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने से पहले दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ से मैं दोस्तों आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर आएंगे दोस्तों हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है ये बेनिफिट किसानों को मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों लॉकडाउन के बीच 4.91 करोड़ किसानों के चेहरों पर आई मुस्कान, हर खाते में आए 2,000 रुपये, आपको नहीं मिला तो ये करें दोस्तों। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोस्तों लॉकडाउन के बीच देश के 4.91 करोड़ किसानों को मोदी सरकार ने राहत दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है 4.91 करोड़ किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये करके भेज दिए गए दोस्तों। इस योजना के तहत अब तक जो है 62,000 करोड़ रुपये से अधिक रकम जो है सहायता प्रदान की जा चुकी है दोस्तों। यानी कि ये दौरान जो है 24 मार्च से 3 अप्रैल तक डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी के माध्यम से 9,826 करोड़ की रकम ट्रांसफ़र की गई है दोस्तों। तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश में करीब 9 करोड़ किसान रजिस्टर हो चुके हैं, यानी इतने लोगों को सीधे करीब 18,000 करोड़ रुपये की मदद मिलेगी। तो यहाँ देश में करीब 14.5 करोड़ किसान हैं, लेकिन इस स्कीम के तहत सभी का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये 2,000 रुपये करके किस्त में देना है दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये नया जो है पेज इस पर डाला गया दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डेट नज़र आएगा दोस्तों 4 अप्रैल 2020 का। तो चौथी पाँचवीं किस्त जो है इसमें भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यदि आप में जो है कोई भी कंजेक्शन हुआ, कोई भी त्रुटि हुई तो दोस्तों इस नंबर पे आप जो है फ़ोन करके अपने डिटेल ले सकते हैं दोस्तों। और ये योजना जो है आप देख सकते हैं कि इन्हें मिलेगा नहीं लाभ, यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों इन्हें नहीं मिलेगा लाभ। जो हमारे जो है पेशेवर डॉक्टर इंजीनियर और ये MP MLA मंत्री हैं, इनको जो है लाभ नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों इस तरीके से कि हमारे मोदी सरकार ने जो है किसानों के खातों में जो है 2,000 रुपये करके ट्रांसफ़र कर रही है। तो चलिए दोस्तों देने का तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है आप पीएम किसान पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पीएम किसान पोर्टल पे आ गए हैं और आप वेबसाइट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर आने के बाद दोस्तों इसे हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ हम आएँगे फार्मर कॉर्नर पर। तो फार्मर कॉर्नर पर आने के बाद दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पर हमें चेक करना है बेनिफिशियर स्टेटस पर। तो यहाँ हम इस पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर सिलेक्ट करते हैं दोस्तों, और मोबाइल नंबर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हम मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के मैं दोस्तों गेट स्टेटस पे क्लिक करता हूँ, और गेट स्टेटस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम देखेंगे कि हमारा जो है पाँचवा किस्त जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है दोस्तों। इसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो है मोबाइल नंबर डाल के किस्त चेक करने का प्रावधान यहाँ पे डाला दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। यहाँ चेक करेंगे तो पाँचवीं किस्त जो है FTO इज यानी कि फंड ट्रांसफ़र जो है यहाँ से हो चुका है दोस्तों। जनरेटेड एंड पेमेंट कन्फर्मेशन इज़ पेंडिंग। तो दोस्तों जैसे ही हमारा पेंडिंग ये यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा हमारा पैसा, तो तुरंत हमारे अकाउंट में आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अपने आपकी पाँचवीं किस्त आई कि नहीं आई दोस्तों। तो यही दोस्तों रहा कि आप अपना जो है पाँचवीं किस्त इस तरीके से आसानी से चेक कर सकते हैं घर बैठे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है रजिस्ट्रेशन आप यहां देख सकते हैं कि जो
किसान जो है पहले से ही स्टार्टिंग 2018 में जैसे ही हमारा किसान पीएम द्वारा बौद्ध सम्मान निधि योजना का प्रावधान निकला था दोस्तों, तो उन्होंने जो स्टार्टिंग में ही रजिस्ट्रेशन करवाया था उनका पांचवा पेमेंट आना शुरू हो गया दोस्तों। जो जिस तरीके से जिन्होंने लेट में जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराया था तो उनका थोड़ा लेट में दोस्तों जो है पेमेंट आएगा। और यहाँ पर यदि हम आपको दिखाएं तो सारे के सारे पेमेंट जो है मिल चुके हैं। इस साइड पर आप देख सकते हैं पेमेंट डन पेमेंट डन पेमेंट डन, यानी कि चारों किस्त जो है इनको मिल चुके हैं दोस्तों, और पाँचवा किस्त जो है पेंडिंग में यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपनी पेमेंट चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा करते दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।